देख रहे AIMIM मिशन 2019 की तैयारियों में जुटा। बाईसी के डगरवा में आयोजित हुआ कार्यक्रम, प्रखंड स्तर पर हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन, सैकड़ों की संख्या में जुटे नए सदस्य। जाप से अलग होकर डॉक्टर तारा श्वेता आर्य ने थामा AIMIM का हाथ। इस बैठक में हजारों की संख्या में आए कार्यकर्ता। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने गतिविधि तेज की। अगर हमारा वोट दिल्ली में सरकार बना सकता है, दिल्ली की सरकार को गिरा सकता है, दिल्ली की सरकार को बचा सकता है, तो हमारा वोट सीमांचल को भी हक और इंसाफ दिला सकता है। हम वोट डालेंगे दिल्ली और पटना में अच्छी सरकार बनाने के लिए। उससे पहले हम अपने वोट का तय करेंगे। मेरी नदियों पर पुल, मेरी बस्तियों तक सड़क, मेरे नौजवानों को रोजगार, मेरे बीमारों को दवा मिले, उसके लिए हम वोट डालने का काम करेंगे। मुल्क 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन इन मक्कार पार्टियों ने, इन अय्यार पार्टियों ने सीमांचल में टिकट के नाम पर हमारे जनप्रतिनिधियों को गुलाम बनाकर रखा है। अब उनकी गुलामी नहीं करेंगे। वोट जनता का है, जनता फैसला करेगी, उनके टिकट पर नहीं बल्कि जनता के विश्वास पर जीतने का काम करेंगे। यही काम की तैयारी के हम लोग यहाँ बैठे थे। तूफान से पहले कश्ती मजबूत करने के लिए, आंधी से पहले घर को मजबूत करने के लिए। कोई भी आंधी आएगी, सीमांचल का मकान खड़ा रहेगा और सीमांचल में जो हमारी AIMIM की कश्ती है वो साहिल पर पहुंचेगी। इसी बात के लिए अमल पासवान हमारे साथ है, बलराम पासवान हमारे साथ है, चचा खगेश, चचा विवेकानंद यादव जी हमारे पास है, खगेश मियां नौजवान युवा नेता हमारे पास है, और सीमांचल की युवा नेत्री और बड़ी पढ़ी लिखी MS डॉक्टर डॉक्टर तारा श्वेता आर्या, जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर सीमांचल की लड़ाई हमारे लड़ने के लिए आए हैं। तो ये बात जान लीजिए कि जो लोग हिंदू मुसलमानों का झगड़ा फैलाते हैं, उन बेईमानों के मुंह पर करारा तमाचा है। हम हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं, हम मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं, हमारा एक ही विश्वास है, धार्मिक उन्माद हो तो बैठ कर तय हो वरना अदालत तय करेगी। हम विकास की धारा को तय करेंगे, उसी की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। सब मिलकर लड़ेंगे, सीमांचल कश्ती है, सब मिलकर इसको बचाने का काम। आज ये डगरवा का प्रोग्राम था, यहाँ पर हम अख्तरुल्लाह साहब के साथ पूरे कार्यकर्ता जो है आप देख रहे हैं, इतनी भीड़, इतनी ज्यादा महिलाओं की और पुरुषों की दोनों की ही है यहाँ पर। इतना विशाल कार्यकर्ता तो मैंने देखा नहीं आज तक कभी, इतनी भारी मीटिंग जो हुई है कार्यकर्ताओं की ये मैंने पहली बार देखी है। आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 4 घंटे से लोग यहाँ पर एकजुट होकर के हैं। ये अख्तरुल इमाम साहब का प्यार और मोहब्बत ही है कि लोग जो है यहाँ पर बैठे हैं, उनकी बातों को सुने हैं, समझे हैं और इस बार अपने हक को समझेंगे और वो खुद निर्णय लेंगे और AIMIM को जिताएंगे, पतन छाप को वोट देंगे। अच्छा, पहले आप जाप में थी, आप इस पार्टी में आई हैं जी? ये मेरी इच्छा है। मैं एक गणतंत्र दिवस में रहती हूँ जहाँ पे कि अपना फैसला लेने का मुझे खुद अधिकार है। मैंने बहुत लोगों की नाराजगी पीछे लिए यहाँ आने के लिए, लेकिन मैं डरती नहीं किसी से, क्योंकि मैं ना हिंदू समझती हूँ ना मुसलमान, मैं हिंदुस्तानी हूँ और पहले हिंदुस्तान को देखूंगी, पहले सीमांचल को देखूंगी। कार्यकर्ता मीटिंग था, प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मीटिंग था और 2019 के चुनाव में हम अपनी पार्टी को जीत दिलाए उसके लिए कार्यकर्ता मीटिंग रखा गया था। अच्छा, आज देखिए कुछ लोग जुड़े भी हैं पार्टी में से, कितने लोग होंगे? बड़ी तादाद में, जो हमारे पार्टी पे एक इल्ज़ाम है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, और आप तो अभी थे, आज का कार्यक्रम ये बता दिया कि ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये सीमांचल के दबे कुचले किसानों, मजदूरों, बेबसों की पार्टी है। बड़ी संख्या में आज हमारे अगर मुस्लिम भाई पार्टी का सदस्यता भी लिए हैं, हम लोगों ने उसको अलग अलग पद पर सम्मानित किया। क्या कहिएगा इस पार्टी के बारे में? इस पार्टी में बहुत अच्छी पार्टी है। इस पार्टी में मैं भाजपा अध्यक्ष था, उसको छोड़कर मैं इस पार्टी में आया, बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रेम की बात है। ये अख्तरुल इमाम साहब बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इनको जिताकर पार्लियामेंट तक भेजने को हम लोग कष्ट करेंगे। भाजपा पार्टी क्यों छोड़े आप इसमें? इसमें इसलिए छोड़े कि भाजपा खुद अपना पार्टी में खुद स्वयं नहीं है, कभी इस पार्टी में घुसती है, कभी उस पार्टी में घुसती है, इसीलिए हम उस पार्टी से नाराज होकर इस पार्टी में आए। आज डगरवा प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था जिससे सभी कार्यकर्ताओं को हम लोग मिले और उनसे मशवरा लिया कि पार्टी यहाँ से कैसे कार्य करेगी और लोकसभा चुनाव को लेकर एक मजबूती के साथ जन जन तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। और हमारा जो नेता है अख्तरुल इमाम साहब, जो पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और यहाँ लोकसभा उम्मीदवार भी हैं, और उन्होंने भी अपनी बात को और सभी लोगों ने एकजुट होकर ये यहाँ से मैसेज दिया कि हम लोग आपके साथ हैं, इस बार आपको यहाँ से हम लोग जिता करके भेजेंगे, और लोगों ने काफ़ी मोहब्बत भी दी और प्यार भी दिया।